वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये मैंने फ्लिपकार्ट से लिया है, इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप लिंक पे क्लिक करें। व्यूअर्स, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल बिंदास जिंदगी विद एंजल में स्वागत है। अगर आप एक हेयर ड्रायर लेना चाहते हैं तो मैं आपको बताती हूँ बेस्ट हेयर ड्रायर कौन सा है। आपने हेवेल कंपनी का तो नाम सुना ही होगा। ये बहुत ही कम प्राइस में बहुत ही अच्छा हेयर ड्रायर आपको प्रोवाइड करवाता है। मैं आपको इसके फीचर बताती हूँ और मैं आपको बताती हूँ कि आपको ये हेयर ड्रायर क्यों बाय करना चाहिए। देखिए इसका कलर भी कितना प्यारा है, आप देख सकते हैं। इसका जो हैंडल है ये फोल्डेबल है, आप इसको बहुत इजी से फोल्ड कर सकते हैं और इजी टू कैरी है। आप इसको आराम से अपने बैग में डालोगे तो ये ज़्यादा स्पेस नहीं लेता है। इसका वायर जो है वो भी काफ़ी लंबा है, आप देख सकते हो। इसमें हमें एक हैंडल दिया हुआ है जिसे आप आराम से टांग सकते हो, आप वॉशरूम में यूज़ कर सकते हो इसका, कहीं इसको टांग कर भी रख सकते हो। इसमें सबसे अच्छी बात है कि इसमें आप देख रहे हो, इसमें ये जो बटन है इसमें 3 बटन दिया हुआ है, कूल एयर के लिए भी है, वार्म एयर के लिए और हॉट एयर के लिए भी है। आप इसका 3 पर्पज़ से यूज़ कर सकते हैं। बहुत लोग को पता है कि हेयर ड्रायर का ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि इसके यूज करने से हमारा हेयर ड्राई एंड रफ हो जाता है, बट हेवेल्स की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि इसमें आपको कूल एयर का भी इफेक्ट डाला हुआ है जिसे आप यूज़ कर सकते हो। इससे आपका हेयर रफ और ड्राई नहीं होगा। अगर आप डेली ऑफिस जाते हो, आपको अपने हेयर को तुरंत ड्राई करना होता है, तो आप ये कूल वाले बटन का यूज कर सकते हो। मैं आपको इसका यूज़ भी दिखाऊंगी कि ये कैसे काम करता है। ये पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा है और इतने कम प्राइस में आपको इतना अच्छा हेयर ड्रायर नहीं मिलेगा। मैंने बहुत सारे सर्च किया है, इसका रेटिंग वगैरह भी सब बहुत अच्छा है। आप इसे बाय कर सकते हैं अगर आप एक अच्छा हेयर ड्रायर लेना चाहते हैं तो। आप इसका अगर चाहो तो ब्लो ड्रायर में भी यूज़ कर सकते हैं, ये ब्लो ड्रायर के लिए भी यूज होता है। और इसमें सबसे अच्छी बात आपको मैं ये बताती हूँ कि इसमें ये जो दिया हुआ है बैक साइड और इसका फ्रंट में भी बहुत अच्छा दिया हुआ है जिससे हमें क्रेंट भी नहीं लगने का डर है। अगर आप एक जगह पे फोकस हेयर करना चाहते हो तो आप इसका नोजल का यूज़ करके आप ब्लो ड्रायर भी कर सकते हो। ये हमारा नोजल निकल भी जाता है, आप इसमें दूसरा नोजल भी यूज़ कर सकते हो। आपको कैसा लगा मेरा ब्लो ड्रायर और हेयर ड्रायर का वीडियो, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसका यूज़ कैसे। अब मैं आप लोगों को हेयर ड्रायर का यूज़ करके बताती हूँ। जब मैं नीचे के एरिया में हेयर ड्रायर का यूज़ करती हूँ तो हमें वॉर्म या हॉट का यूज़ करना चाहिए क्योंकि ये हमारे हेयर स्कल्प नहीं होते हैं। लेकिन जब मैं स्कल्प पे यूज़ करती हूँ तो हमें हमेशा कोल्ड वाले बटन का यूज़ करना चाहिए, कोल्ड रहने का, इससे हमारे स्कल्प को हार्म नहीं होता है। इस प्रकार आप इसका यूज़ कर सकते हो। इसमें एक और भी बहुत अच्छी बात है कि इसमें आपको 2 साल का वारंटी मिलता है और ये आपको घर पे आके अगर कुछ ख़राब हुआ तो होम सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। आप इसे ज़रूर बाय करें, ये बहुत ही अच्छा हेयर ड्रायर है और इतने कम रेंज में इतना अच्छा हेयर ड्रायर आपको नहीं मिलेगा, वो भी कंपनी वाला। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप ये बाय करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दी हूँ, आप जाकर वहाँ से बाय कर सकते हैं।